नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये क्लॉ हैमर है। इस क्लॉ हैमर को इससे पहले मेरे साथ आपने इन्वेंटर KTR V5 NX और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया, तो चलिए आज हम इसे बनाएंगे AutoCAD 3D पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ से ये फाइल क्लोज कर देता हूँ। फाइल क्लोज करने के बाद दोस्तों, ये वो स्क्रीन है जो ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है। यहाँ से ये देखिए, मैं टेम्पलेट पे ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोकैड ये acad.3d.dwt ये ऑप्शन आता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से फाइल ओपन होगी, जो वो होगी 3D की। ये देखिए, ये 3D का GUI है। जनरली जब हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो 2D का स्क्रीन हमारे सामने आता है, कमांड्स भी वही होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो रिबन है ऊपर वाला, होम, सॉलिड, सरफेस, ये सब, ये जो जितनी भी कमांड्स हैं ये सब 3D की कमांड्स हैं। ये यहाँ से, ये देखिए, एक आइकन होता है, इसको हम कहते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। ये सेटिंग जैसा आइकन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शंस आते हैं कुछ, जनरली ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर ही आपको मिलेगा जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर ये जो कमांड्स नज़र आ रही हैं ये सब 2D की हैं, यहाँ पर 3D कमांड्स नहीं दिखाई देंगी आपको। आप शॉर्टकट्स अगर यूज़ करते हैं तो उससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देंगी यहाँ पे आपको। तो यहाँ से ये देखिए, ये सेटिंग्स पे या वर्क स्पेस स्विचिंग कहिए से, इस पर गए और यहाँ से 3D मॉडलिंग ले लिया। तो इस तरह से ये देखिए, हम चेंज कर सकते हैं GUI को। इसके बाद हम चलिए अब ये कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं क्लॉ हैमर का। होम पर क्लिक किया, देखिए ये है डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। यहाँ से पहले तो मैं एक बॉक्स में जाकर, नीचे सिलेंडर है, सिलेंडर कमांड यूज़ की, मैसेज आता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया और देखिए कर्सर को आगे बढ़ाते हैं तो मैसेज आता है स्पेसिफाई बेस रेडियस। बेस रेडियस मैंने ले ली 17.5। ओके, ये हो गई बेस रेडियस। देखिए काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा ऑब्जेक्ट, तो जूम आउट किया, थोड़ा सा छोटा किया। आप कर्सर को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये सिलेंडर की हाइट पूछ रहा है, हाइट हमने ले ली 25। ये एक सिलेंडर बन गया यहाँ पर। अब चलिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक पॉलीगन बनाते हैं। ये है पॉलीगन कमांड, पॉलीगन पर क्लिक किया, मैसेज आता है एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो हमने ले लिया 6, 6 टाइप करके एंटर प्रेस किया और स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन इंस्क्राइब्ड ले लिया। और यहाँ से वैल्यू इसकी दे देते हैं हम रेडियस की 13.5। ओके, ये दे दिया हमने। इसके बाद एक पॉलीगन और बनाते हैं, ये गए पॉलीगन पर, नंबर ऑफ साइड्स अब 6 ही दिखा रहा है, इसी के सेंटर पर बना लेते हैं। एंटर प्रेस किया, अब देखिए सेंटर दिखाएगा, सेंटर पर क्लिक किया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और यहाँ से वैल्यू दे देते हैं इसकी, अगर 17 की रेडियस लेनी है तो 8.5। ये छोटा पॉलीगन बन गया। इसके बाद हमें एक सर्कल बनाना है, यहाँ से लिया ये सेंटर रेडियस, इसी के सेंटर पर एक सर्कल बनाएंगे, इसकी रेडियस की वैल्यू ले लेंगे 13.5। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये तीन ऑब्जेक्ट्स इसमें बनते हैं। अब यहाँ से जाएंगे फ्रंट प्लेन पर, फ्रंट प्लेन पर जाकर एक लाइन बना लेते हैं हम, इसी के सेंटर से ही बना लेते हैं। ऑर्थो मोड यहाँ से ऑन कर लिया, सीधी लाइन बनेगी 24 mm की, 24 टाइप करके एंटर प्रेस किया और कमांड से बाहर निकल आएंगे एस्केप दबा के। ये सेंटर पर बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बनी, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से अननेम्ड WCS लाइन पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इसे एस्केप दबाए बाहर निकले। अच्छा, अब यहाँ से आगे क्या करना है कि अब लेते हैं हम लेफ्ट प्लेन, ये
लेफ्ट प्लेन लिया। लेफ्ट प्लेन लेने के बाद यहाँ से एक लाइन बनाते हैं यूँ, 35, 45, 35 और ये 45। ये तो बन गया हमारा एक रेक्टेंगल। ओके, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये मिड पॉइंट से लाइन से ही हम ऊपर गए, ये जाएंगे हम 50 mm। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमने लिया ये टू पॉइंट कमांड सर्कल में, एक क्लिक इधर कर दिया और एक यहाँ से ले लिया हमने से 15, ये डायमीटर इसका 15 हो गया। अब यहाँ से हमें लेना है एसपी लाइन। एसपी लाइन हमें यहाँ नीचे देखते हैं, ये ऊपर ही है एसपी लाइन, यहाँ पर ये रही है एसपी लाइन। एसपी लाइन पर क्लिक किया, जब भी एसपी लाइन बनाएंगे ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे। देखिए, पहला क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर और तीसरा क्लिक यहाँ पे। देखिए, ये टेंजेंसी का जैसे ही यहाँ पर साइन दिखाएगा आप क्लिक कर देंगे और एंटर दबाएंगे। देखिए, अभी ये सही नहीं आ रहा, इसको इरेज करते हैं। एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर और जैसे यहाँ टेंजेंसी का मार्क आया एंटर, देखिए इस बार ये सही आ रहा है। ओके, इसके बाद इस सर्कल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो टी आर टाइप करके एंटर दो बार प्रेस करेंगे और इस सर्कल को रिमूव कर देंगे। ओके, ये देखिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर से जाते हैं एसपी लाइन पर, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ और एंटर दबाया, बाहर निकले। और इस पर ये लाइन को सेलेक्ट करके इरेज कर दिया हमने। ओके, देखते हैं यहाँ, ये देखिए नीचे जा रहा है, टी आर टाइप करके डबल एंटर और से रिमूव कर दिया। और ये हिस्सा जो है इसे भी हमने ट्रिम कर दिया। तो इस तरह से ही ये प्रोफाइल बन के हमारे सामने आती है। इसे हम रीजन कर लेते हैं। यहाँ पे रीजन करने के लिए आर ई जी टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मैसेज आता है, विंडो बना के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। और यहाँ से अब होम पर क्लिक करते हैं और अननेम्ड डब्ल्यू सी एस, ठीक है। अब ई एक्स टी टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, एंटर प्रेस किया और इसे इस दिशा में लेकर आएंगे कितना, 30 mm। ये 30 mm का एक, यहाँ देखिए ये इस तरह से ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब इसको फिलेट कर लेते हैं, सॉलिड पर जाते हैं, फिलेट एजेस, फिलेट एजेस पर क्लिक किया और आर टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, वैल्यू देंगे 10 और एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद दो बार एंटर। ये देखिए, इस तरह से ये हिस्सा तैयार हो जाता है। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं, एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, मूव कराएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये जो सबसे बड़ा वाला पॉलीगन है इसे सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, इसके सेंटर से उठाया और इस एंड पॉइंट पर नीचे रख दिया। फिर मूव यूज़ करेंगे, एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस पॉलीगन को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया और यहाँ से उठाया और इसके मिड पॉइंट पर रखा। इसी तरीके से फिर एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, सर्कल को सेलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस किया, इसके बाद इसे यहाँ से उठाकर सबसे ऊपर वाली लाइन पर ऐसे रख दिया हमने। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ से हम दोस्तों यूज़ करेंगे लॉफ्ट कमांड। एक्सट्रूड पर नीचे जाएंगे, देखिए ये लॉफ्ट है, लॉफ्ट पर क्लिक किया, एक
दो और तीन, और दो बार एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बनकर इस तरह से अलग अलग शेप के जो सेक्शंस हैं वो हमने लॉफ्ट करके आपस में जोड़ दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, एम टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसका सेंटर देखेंगे, इसको घुमा के इसका सेंटर देखेंगे। देखिए ये इसका सेंटर एंड पॉइंट जो है ना, वो लाइन का ही एंड पॉइंट है, जो खड़ी हुई लाइन थी उसी को लिया, वही सेंटर है। इसको घुमाया और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ये सेंटर नज़र आ रहा है यहाँ पर रख दिया, तो ये प्लेस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब उस लाइन को हमने इरेज कर दिया। अब देखिए यहाँ रखेंगे कैसे इसे, पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके नीचे हम एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। यहाँ से लाइन पर गए और ये देखिए ये फेस जब हाईलाइट होगा नीचे वाला, फिर से लाइन पर जाते हैं, मैं बाहर निकल आया था एस्केप दबाकर कमांड से। ये जो ये देखिए ये एंड, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट आपस में जोड़ के एक हमने रेफरेंस लाइन बना दी। अब हम मूव कराएंगे, एम एंटर, एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस किया। इसके बाद ये मिड पॉइंट पर क्लिक किया और इसे घुमाया, घुमाने के बाद इसका सेंटर देखेंगे, सबसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ये नज़र आ रहा है, इस पर रख दिया। तो ये देखिए तीनों ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्लेस हो गए। ओके, अब ये देखिए कितना आसानी से अब शेप जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आपको अब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, इसको यूनियन कर लेते हैं। यहाँ पर UNI टाइप करके एंटर प्रेस किया, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो यूनियन हो गए, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें क्या करना है कि फ्रंट प्लेन ले लेते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके पैरेलल का ऑप्शन लिया। रियलिस्टिक से इसे वायर फ्रेम में ले आते हैं। अब हमें करना क्या है कि मेजरमेंट लेना है यहाँ से, ये एनोटेट पर गए लीनियर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हमें मेजरमेंट चाहिए। देखिए 42.2607, हम 43 ले लेते हैं या 42.5 भी ले सकते हैं। होम पर गए दोबारा, यहाँ से हमने एक लाइन बनाई, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं पहले। ये लाइन बनाई 10 mm की, कमांड से बाहर निकले। अब इसके मिड पॉइंट से नीचे आते हैं कितना, 42.5, 42.5 आए और इस सिरे से जोड़ दिया और यहाँ से इसको इस सिरे से जोड़ दिया, इस तरह से कमांड से बाहर निकल आए। इस लाइन पर क्लिक करके इसे इरेज कर देते हैं और इस वाले पोर्शन को रीजन कर लेते हैं। ये देखिए रीजन में कन्वर्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से अब हम रियलिस्टिक पर आएंगे तो ये ऐसे नज़र आएगा। होम पर क्लिक किया दोस्तों, अब यहाँ से होम पर क्लिक करने के बाद नेम्ड UCS, सॉरी WCS, एम टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके ये मिड पॉइंट से उठाया और यहाँ वाले ये मिड पॉइंट पर इसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मूव करा के इसे रख दिया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम एक्सट्रूड कमांड पर जाएंगे, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसे पीछे की तरफ आर पार ऐसे ले जाएंगे। ओके, ये इस तरह की शेप देखिए ये ऐसे आ जाएगी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे सबट्रैक्ट कमांड, सबट्रैक्ट का शॉर्टकट होता है SUBT, सबट्रैक्ट। एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो बड़ा वाला है, मतलब जिसमें से हमें ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, तो इसमें से रिमूव करना है, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, एंटर दबाएंगे। ये देखिए ये शेप जो है क्लॉ हैमर की
अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको नजर आने लगेगी। ओके, अब इसके बाद यहाँ से हम फ्रंट पर जाते हैं और इसे राइट क्लिक किया, पैरेलल का ऑप्शन लिया। अब यहाँ पर हम एक एलिप्स बनाते हैं। पहले तो ये सेंटर और इस डायरेक्शन में जाएगा ये 15 और इस डायरेक्शन में जाएगा 9। ओके, अब यहाँ से ये वो फिर से देखिए कि इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर से देखिए कि ये इलिप्स बना कैसे। ये ऑप्शन लिया सेंटर का, एक क्लिक किया यहाँ पर, इस डायरेक्शन में कर्सर को लेकर के टाइप किया हमने 15 और इस डायरेक्शन में कर्सर को लेकर के टाइप किया 9। ये और एंटर प्रेस कर दिया। वैल्यूज देने के बाद एंटर ज़रूर प्रेस करेंगे। यहाँ से होम पर क्लिक किया अब हमने, अननेम्ड WCS। अब इसे यहाँ पर रखना है, तो रखने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा कि हमें बिल्कुल बीच में रखना है। जैसे ही ये देखिए हाईलाइट हुआ, लाइन कमांड पे जाने के बाद मिड पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ से ये मिड पॉइंट ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ये देखिए मूव कमांड ऊपर नज़र आ रही है, मूव सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से हम इसे उठाएंगे, ये रहा सेंटर, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर ऐसे रख दिया। अब रियलिस्टिक में जाएंगे, 2D वायर फ्रेम, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इरेज कर देंगे। ई टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा, फिर से आ गया रियलिस्टिक में। अब यहाँ से देखिए हमें करना क्या है कि प्रेस पुल कमांड ये आपको नज़र आ रही है, प्रेस पुल पर जाएंगे, क्लिक किया हमने और अब कर्सर को इस ऑब्जेक्ट के भीतर लेकर के देखिए ये हाईलाइट होने लगा, इस पर क्लिक किया और पीछे की तरफ ले जाएंगे, आर पार ले गए और बस एक क्लिक कर दिया ये देखिए, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। तो देखिए ये एक इलिप्टिकल होल हो गया इसके अंदर। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट आपको छूटा हुआ मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर ये वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है, ये इसका 2D जो हमने अभी बनाया था ये दिख रहा है। रियलिस्टिक में जाने के बाद यहाँ से 2D वायर फ्रेम में गए, इस ऑब्जेक्ट को देखिए सेलेक्ट किया हमने और सेंटर पर क्लिक किया और देखिए ड्रैग करके पीछे की तरफ लेकर गए, तो ये यहाँ से वैल्यू हमने दे दी 45 + 25 यानी कि 60, 60 mm की वैल्यू दी, तो ये 60 mm पर यहाँ कर प्लेस हो गया। इसके बाद यहाँ से हम कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, CO टाइप किया और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये देखिए यहाँ से इसे उठाया, इस डायरेक्शन में लेकर आएंगे कितना 300 mm, ये ऐसे, और एस्केप दबाकर बाहर निकला है, तो ये प्लेस हो गई लाइन इस तरह से। अब क्या करेंगे कि हमें इसका ऑफसेट करना है, तो ऑफसेट करने के लिए ओ टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, 2 mm लिया, दो टाइप करके एंटर प्रेस किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसके अंदर आकर क्लिक कर दिया हमने और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है और बड़ा वाला इलिप्स सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। हम चाहते हैं कि ये और ये, तो देखिए ये बड़ा है और ये थोड़ा सा उससे छोटा है। ठीक, अब यहाँ से हम लेंगे लॉफ्ट कमांड, लॉफ्ट पर क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर इसे सेलेक्ट किया और एंटर को 2 बार प्रेस किया, देखिए वायर फ्रेम में हमें ऐसा नज़र आ रहा है। अब हम जाएंगे रियलिस्टिक में, ये देखिए इस तरह से हमें ये अब दिखने लगेगा। बाकी तो अब ये कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है, बस इसके जितने शार्प कॉर्नर्स हैं वो हमें फिलेट करने हैं, तो चलिए फिलेट कर लेते हैं। सॉलिड पर क्लिक किया, यहाँ से लिया फिलेट एजेस और आर टाइप करके एंटर प्रेस किया, एंटर, फिलेट एजेस में मैसेज आ रहा है वैल्यू देनी है हमें रेडियस की, तो 2 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब हम एक एक करके देखिए ये एज सेलेक्ट की,
और ये एज सेलेक्ट की, ये बीच में जो छोटा हुआ हिस्सा था ये भी सेलेक्ट किया, दो बार एंटर दबाएंगे। देखिए ये मैंने एंटर इसलिए दबाया पहले कि मुझे चेक करना था यहाँ पे ये फिलेट होता है या नहीं, ये नहीं हुआ फिलेट। दोबारा हम ट्राई करते हैं यहाँ से, फिलेट एजेस। अब वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, वो 2 mm की ही वैल्यू देनी पड़ेगी। एस्केप दबाया बाहर निकले कमांड से, फिलेट एजेस, आर एंटर, 2 enter। अब इस एज पर क्लिक करते हैं, अब मैं 2 बार एंटर दबा रहा हूँ। देखिए ये एज हो गई फिलेट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरी एजेस जो हैं दिखाई दे रही हैं हमें, इन्हें फिलेट करते हैं। दो बार एंटर दबा रहा हूँ मैं। देखिए ये कॉर्नर जो है वो नहीं हो रहा है फिलेट। तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करके वापस जाते हैं और रेडियस की वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ से, फिलेट एजेस, आर एंटर, 1 enter। क्योंकि हमें तो केवल शार्प कॉर्नर से रिमूव करने हैं। दो बार एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं। देखिए ये सभी कॉर्नर्स हो गए, रेडियस की वैल्यू को अगर हमने कम कर दिया तो ये सभी कॉर्नर्स राउंड हो गए। अब एक एक करके यही वैल्यू जो हमने दी हुई है इसी के हिसाब से जितने कॉर्नर्स हमें नज़र आ रहे हैं उन सबको राउंड करते चलेंगे। ये कॉर्नर्स भी देखिए सब राउंड होते चले जा रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें 2 बार एंटर प्रेस करना है, ये याद रखिएगा। जैसे एजेस को सेलेक्ट कर लेंगे हम, और एग्जीक्यूट करने के लिए फिलेट को हमें 2 बार एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये सारे कॉर्नर्स इस ऑब्जेक्ट के राउंड हो गए। ओके, तो दोस्तों ये था क्लॉ हैमर इन ऑटोकैड 3D। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।